पांचवा स्टॉक कौन सा हाईलाइट करना चाहेंगे आप? भी एफएमसीजी एक प्ले है रैलीगर की, इस पे बिकवाली की राय है। डाबर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक तो इनका जो फूड कारोबार है उसमें बढ़त आई थी, जिसकी वजह से Q4 में इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% के आसपास रही थी। लागत कम हुई थी, विज्ञापन खर्च कम हुआ था, जिसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन रैलीगर का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से पतंजलि से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी वीक है, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी वीक है, और सबवे को लेकर जो कंसर्न है, जहाँ की 100% के आसपास की हिस्सेदारी है, पोटेशियम ब्रोमेट और हाइड्रेट जैसे जो कंसर्न रेज हुए थे, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में नंबर्स पे देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन वैसे भी महंगे हैं, जैसे मेरिको केस में मैंने कहा था 8 रुपये के आसपास की अनुमानित ईपीएस है इस साल की, उसके मुताबिक 37-38 के पी मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह के कंसर्न है यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल सकती है, इसलिए रैलीगर अपनी सेल कॉल मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। श्योर, बट राजेश आपका क्विक रिएक्शन, डाबर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स के चलते हुए यहाँ पे हायर मार्जिन्स ऑल दो देखने मिले थे, बट गोइंग फॉरवर्ड पतंजलि से एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है उनको, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आप क्या वैल्यूएशन करना चाहेंगे डाबर को लेकर? देखिए टेक्निकली तो पिक्चर इस समय ठीक है, स्टॉक अपने जो है ऑल टाइम हाई के बिल्कुल लेवल के पास है, सिर्फ 10 या 12 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 310 लेवल 15 लेवल तक अभी हाल फिलहाल में टच कर सकता है, और आज भी ऊपर है, तो टेक्निकल पिक्चर एनकरेजिंग है स्टॉक की, और आई थिंक जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है 275 के स्टॉप लॉस के साथ। रही बात फंडामेंटल्स की, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि इसमें डेफिनेशन जो वैल्यूएशंस हैं इसमें भी कम्फर्ट नहीं है, पर एक बात जो इस जो सब शेयरों से इसको एफएमसीजी के अलग करती है कि जो कंपनी है इसके पास पूरा एक बुके है ब्रांड्स का, जो कि बहुत ही सुपर वैल्यू का ब्रांड है, और इंडिया में ही नहीं, अगर आप देखें पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस सब में भी कंपनी की फॉर्मिडेबल ब्रांड प्रेजेंस है, जिसमें लोग जानते हैं कंपनी को, तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो सुपर ब्रांड्स का है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करने वाला है, और मेरी राय यह बनती है कि नीचे के स्तरों पर इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, अगर किसी के पास है तो फिलहाल होल्ड करें, और नया आदमी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तभी घुसे अगर वो 310 को पार करता है तो। Sure, तो आज वीरप्पन डेंजर जोन में हम आपको 5 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, इपका लैब्स, मैरिको, एक्सावेयर, कमिंस और डाबर, ये ऐसे स्टॉक्स है जिसमें एक फंडामेंटली या फिर टेक्निकल अदर कंसर्न्स बना हुआ है वैल्यूएशन को चलते हुए या इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच राजेश फॉर बीइंग ऑन द शो। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टॉक्स को हाईलाइट करने के।